हेलो एवरीवन, राधे राधे। पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहते हैं इंद्रा एकादशी। ये एकादशी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस एकादशी में पूजा करने से और व्रत करने से आपके पितरों को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके किसी पितर का श्राद्ध अगर एकादशी के दिन पड़ता है तो एकादशी के दिन कभी भी पितरों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता है। श्राद्ध हमेशा एकादशी का जो श्राद्ध होता है वो मनाया जाता है द्वादशी में। एकादशी में श्राद्ध इसीलिए नहीं मनाया जाता है क्योंकि आप श्राद्ध मनाओगे एकादशी में, भोजन बनाओगे ब्राह्मण के लिए। अगर आप किसी को एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को अगर भोजन कराते हैं, किसी को भी भोजन कराते हैं, तो इससे आपको पाप लगता है। तो इसीलिए एकादशी का श्राद्ध हमेशा द्वादशी में किया जाता है। तो ध्यान रखें, एकादशी के दिन अपने पितरों का श्राद्ध आप ना करें, द्वादशी के दिन करें। एकादशी में उनके मोक्ष के लिए जो है ना आप पूजन कर सकें। एकादशी के दिन अगर आप किसी को भोजन कराते हैं, अन्न का दान करते हैं, तो इसका पाप आपको बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए एकादशी पर कभी भी अपने पितरों का कोई भी श्राद्ध आप ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। काफ़ी सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, तो अपने पितरों के लिए मन से जो है ना श्राद्ध करते हैं तो वो एक गलत तरीका है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पितृपक्ष की जो एकादशी इंद्रा एकादशी के नाम से एकादशी जानी जाती है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का इसमें पूजन किया जाता है। अगर आप भगवान शालिग्राम का भी अगर इसमें पूजन करते हैं तो बहुत ही लाभदायक ये पूजा है, आपके पितरों को एक मोक्ष दिलाती है। तो भगवान शालिग्राम को बढ़िया से आप स्नान कराएं शुद्ध जल से, उसके बाद पंचामृत से, उसके बाद उनका अंग पोषण करें। अंग पोषण करने के बाद इत्र जो है ना उनको बढ़िया से लगाया जाता है। एक बात का ध्यान रखें, जितना मैंने सुना है, पंडित जी ने मुझे बताया है, शालिग्राम की पूजा औरतों के लिए निषेध मानी जाती है। काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो आपका जैसा मन हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, कई लोग चीज़ों को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। जैसे कि मैं भगवान शालिग्राम की पूजा करती हूँ, मैं आपको रीज़न कई बार बता चुकी हूँ क्यों करती हूँ, इस बार नहीं बताऊँगी। तो मैं करती हूँ, अगर आप नहीं करते हैं तो ना करें, क्योंकि जो नियम है, अगर जो हमने बना के रखे हैं उन नियमों का पालन अगर हम लंबे समय तक करते हैं तो वो नियम भी हमें बहुत फ़ायदा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इत्र लगा दिया है। इत्र लगाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी, जनेऊ पहनाऊँगी, चंदन लगाऊँगी। और भगवान शालिग्राम के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा विशेष है, वो है तुलसी की मंजरी। मंजरी सहित तुलसी जो है, अगर आप भगवान शालिग्राम पर अगर चढ़ाते हैं तो भगवान शालिग्राम इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शालिग्राम जी तुलसी मैया से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें अपने सर पर बैठा कर रखते हैं। तो किसी को अगर किसी की पसंदीदा चीज़ मिल जाती है ना, तो वो इंसान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, और आपकी जो विशेष अगर कोई खास मनोकामना है तो वो भी पूरी हो जाती है। अपने पितरों के लिए आज के लिए प्रार्थना आप जरूर करें कि हमारे पितर अगर किसी दिक्कत में है तो उनको जो है ना मोक्ष की प्राप्ति भगवान ईश्वर उन्हें दे, ताकि हमारे जीवन की जितनी भी रुकावटें आ रही हैं या आने वाली हैं वो सारी रुकावटें जो है ना समाप्त हो जाए और हमारे पितरों को जो है ना मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ऐसी भावना आपको करनी है। आज के दिन ना किसी को आप भूल कर अन्य दान दें और ना ही किसी को अन्न खिलाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और वैसे तो फलाहार किया जाता है, फल जैसा आहार किया जाता है, तो आप फल खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर फल से आपकी पूर्ति नहीं होती है तो एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि शरीर सामर्थ्य के अनुसार जो है ना व्रत और पूजा की जाती है। यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिया है, अब करेंगे हम आरती की तैयारी, उसके बाद मैं तस्वीर का भी इस तरह से पूजन कर देती हूँ। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं, नहीं है तो भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। लेकिन इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस एकादशी पर आप पूजा ज़रूर करें, आपके पितरों को मोक्ष देती है। आज के दिन आप हवन भी कर सकते हैं अपने पितरों के नाम का। भगवान विष्णु, सबसे पहले आपको भगवान विष्णु के नाम की आहुति देनी है, उसके बाद आप पितरों के नाम की आहुति दे। हवन करना मैंने आपको कईयों बार बताया है, इस बार नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत बार आपको साथ मैंने शेयर भी किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। इस एकादशी में गुड़ और तिली का बहुत महत्व है, तो गुड़ और तिली भगवान पर भोग के लिए आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हम एकादशी की कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने से आपको ये जानकारी हो जाएगी एकादशी का व्रत करने से हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है।
इसके बाद आपको आरती करनी है और नेक्स्ट डे जो है ना इस व्रत का आपको पारण करना है। नेक्स्ट डे आप अपने पितरों के नाम का श्राद्ध कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर उनको भोजन जरूर कराएं, और जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, आपके किसी भी पितर का श्राद्ध हो, तो उस दिन अपने घर के दरवाजे पर काले तिल जरूर छिड़के। छोटी छोटी बातें मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर की हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। जनरल सी बातें मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ ताकि आप इन नियमों को आसानी से कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ चुटकी बजाते कभी नहीं होती है, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है ना तो चीज़ें हमें बिल्कुल कभी कोई फ़ायदा ही नहीं करेंगी, लेकिन अगर हमारा विश्वास अगर मजबूत है ना तो फिर वो चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम तो देखिए लगता है, लेकिन बहुत अच्छी होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। और अभी मैंने देखा नहीं है पंचांग में कि एकादशी कब है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दे दूंगी कि एकादशी का व्रत कब है और कौन से बार को ये पढ़ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।